नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में नौकरी की बौछार, स्वास्थ्य विभाग में आई बंपर वैकेंसी, 46,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। नहाय खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने की राज्य की समृद्धि के लिए कामना, सीएम ने की अपील, इस पर्व को मिलजुल कर मनाए। बीपीएससी का सर्वर डाउन, आवेदन से हजारों अभ्यर्थी वंचित, अभ्यर्थियों ने की तिथि बढ़ाने की मांग। वेंटिलेटर पर लोक गायिका शारदा सिन्हा, पीएम ने शारदा सिन्हा के बेटे से की बात, निधन की खबर पर बेटे ने जताई नाराजगी। आज 36वां जन्मदिन मना रहे हैं विराट कोहली। आज ही के दिन एक साल पहले अपने जन्मदिन पर कोहली ने की थी तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी। कोलकाता के ईडन गार्डन में जश्न का माहौल। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 46,000 नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्री पांडे ने यह भी बताया कि औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है, और अब 4,500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। हालांकि इस अवसर पर मंत्री ने राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि महागठबंधन सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग में न तो कोई नई भर्ती की गई और न ही विभाग में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने मुजफ्फरपुर जिले में 73.76 करोड़ रुपए की लागत से 18 नई औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी है। इस परियोजना से जिले में करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इन फैक्ट्रियों में विभिन्न उत्पाद जैसे मुर्गी दाना, PVC पाइप, अलमारी, टेक्सटाइल और सफ़ेद ईंटें बनाई जाएंगी। बता दें, राज्य के विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बैठक में इन औद्योगिक इकाइयों के प्रस्ताव पर विचार किया गया। बैठक के बाद राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने मुजफ्फरपुर के लिए 18 औद्योगिक इकाइयों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा बोचहा में मिनरल वाटर की एक इकाई स्थापित की जाएगी, जो जिले में नए आर्थिक अवसर पैदा करेगी। नहाय खाय के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। छठ पूजा का ये आयोजन लोक आस्था का एक अहम हिस्सा होता है, जो आत्म अनुशासन, शुद्धता और समर्पण का पर्व माना जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व हमें आत्मिक शुद्धि और निरंतरता के साथ अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व हमें आत्मिक शुद्धि और निरंतरता के साथ अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने भगवान भास्कर से राज्य की प्रगति, सुख समृद्धि, शांति और सौहार्द की कामना की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से अपील की है कि वे इस महापर्व को मिलजुल कर आपसी प्रेम और पारस्परिक सद्भावना के साथ मनाएं, ताकि हम सभी के जीवन में शांति और समृद्धि का संचार हो। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सर्वर एक हफ्ते से फेल है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली की खपत और बैलेंस की सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस समस्या से लगभग 18 लाख उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें से 5 लाख से अधिक पेसू क्षेत्र में हैं। पटना समेत राज्य के अन्य जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने का जिम्मा EESL और नॉर्थ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास है, लेकिन सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण उपभोक्ताओं को अचानक भारी बिल का डर सता रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि त्योहारों का समय है और ऐसे में बिजली का बिल अचानक बढ़ने से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देश की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। बता दें कि शारदा सिन्हा फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। वे पिछले 7 सालों से ब्लड कैंसर से जूझ रही थी और अब उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई है। शारदा सिन्हा के बेटे आयुष्मान सिन्हा ने अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में फेसबुक पर लाइव आकर जानकारी दी। आयुष्मान सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे फोन पर बात की है और शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं सोशल मीडिया पर शारदा सिन्हा के निधन को लेकर जो अफवाह फैल रही है, इसे लेकर उनके बेटे आयुष्मान सिन्हा ने नाराजगी भी जताई। कहा कि लोग बिना सही जानकारी के खबरें फैलाने से बचें और सिर्फ सत्य खबरें ही साझा करें।
बिहार में जल्द ही जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा जो राज्य की राजधानी पटना में होगा। आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद इसको लेकर कई तरह के विवाद सामने आए हैं। इन विवादों को सुलझाने के लिए पहले सभी मामले उच्च न्यायालय में भेजे जाते थे, जिससे कि करदाताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के द्वारा अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी मिलने के बाद इन समस्याओं का समाधान एक तेज और प्रभावी तरीके से हो पाएगा। इस ट्रिब्यूनल में एक तकनीकी सदस्य को राज्य के कोटे से नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए विज्ञापन जारी किया है और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 नवंबर है। बिहार में सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस महीने के अंत तक यानी कि 30 नवंबर तक सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। सोमवार को हुई महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के CMD पंकज कुमार पाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्मार्ट मीटर के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी न हो और इसे निर्धारित समय सीमा तक पूरा किया जाए। वही इस बैठक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर नीलेश देवरे, महेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इधर BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के दिन एक बड़ी तकनीकी समस्या सामने आई। सोमवार को आवेदन की अंतिम तिथि के दिन BPSC का सर्वर अचानक डाउन हो गया, जिससे हजारों अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया में असमर्थ रहे, वंचित रहे। अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से सर्वर डाउन होने की समस्या बनी हुई थी और आवेदन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि आवेदन में 2 घंटे का समय लग रहा था, जिससे वे अंतिम समय में भी आवेदन से वंचित रह गए। कई छात्रों ने BPSC से आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की, लेकिन आयोग के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की तिथि अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। छठ पर्व से पहले राज्य की लगभग 2,40,000 पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय का भुगतान कर दिया गया। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। 32 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान मानदेय मद में किया गया है, जो कि इस बार बढ़ी हुई दर पर हुआ है। विभाग के अनुसार 97% पंचायत प्रतिनिधियों को उनके मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। हालांकि 3% का भुगतान नहीं हो सका, जिनमें से कई प्रतिनिधियों का निधन हो चुका है, तो वही कुछ का भुगतान बैंक खाता नहीं होने की वजह से रुका हुआ है। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कर्मचारियों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत 5 साल से एक ही अंचल में तैनात कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा और शहरी क्षेत्र में 2 साल से अधिक समय से तैनात कर्मचारियों को अब ग्रामीण इलाकों में भेजा जाएगा। विभाग ने अमीनों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की, जिसमें ये सामने आया है कि वे औसतन केवल 5 से 6 मापी ही कर रहे हैं। इस पर विभाग ने सभी जिलों के DM से निर्देश दिए हैं कि अमीनों से कम 15 से 20 मापी का निष्पादन कराया जाए। बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा इस बार भी राबड़ी देवी की आवास पर नहीं मनाया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल RJD के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, जो पहले छठ महापर्व धूमधाम से मनाता था, इस बार इस पवित्र पर्व को नहीं मनाने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक ये फैसला जो है स्वास्थ्य कारणों से लिया गया है। बता दें कि पिछले 4-5 सालों से राबड़ी देवी के घर पर छठ पूजा का आयोजन नहीं हो पा रहा है। इससे पहले 2023 की अगर हम बात करें तो लालू यादव एक निजी कार्यक्रम के सिलसिले में कोलकाता चले गए थे, जबकि 2022 में वे सिंगापुर में स्वास्थ्य जाँच के लिए गए थे। 2021 में लालू यादव की तबीयत खराब हो गई थी। वही 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में RJD को हार का सामना करना पड़ा था और 2019 में लालू यादव जेल में थे। दरभंगा की तत्कालीन ग्रामीण SP IPS अधिकारी काम्या मिश्रा को भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद 6 महीने का असाधारण अवकाश मिल गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार उन्हें 27 अगस्त 2024 से 180 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया गया है। काम्या मिश्रा, जिन्होंने 2019 बैच में IPS अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया था, उन्होंने 5 अगस्त 2024 को निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है।
इधर बिहार के औरंगाबाद जिले के ढेबरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बड़वा सोई स्कूल के पास से 518 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस शराब तस्करी में शामिल एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम जयप्रकाश कुमार बताया जा रहा है, जो कि ढेबरा थाना क्षेत्र के वारंडा गाँव का निवासी है। इसके अलावा मदनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने रानीडीह गाँव से 60 लीटर देसी महुआ शराब की बरामदगी की है, जबकि रफीगंज के भादवा और फेसर गांव से भी 22 लीटर और 2 लीटर देसी महुआ शराब जब्त की गई है। इन कार्रवाइयों के दौरान करीब 5000 लीटर जावा महुआ शराब को भी नष्ट किया गया। अब तक जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। एसपी अम्बरीश राहुल ने इसकी जानकारी दी है। पटना में छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। पटना से राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 200 बसों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से पटना नालंदा रोड पर अतिरिक्त बसें चल रही है। बैरिया बस टर्मिनल और बांकीपुर बस स्टैंड से रोजाना करीब 1500 बसें रवाना हो रही है, जिससे लगभग 80,000 यात्री जो है यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही आज से 8 नवम्बर तक पटना से अन्य शहरों के लिए 10 स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी। यात्रियों को अधिक सहूलियत देने के लिए 15 दिन पहले एडवांस बुकिंग और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। आज 5 नवंबर को विराट कोहली का जन्मदिन है। बता दें, आज ही के दिन अपने जन्मदिन पर एक साल पहले उन्होंने एक शानदार शतक के साथ सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए वनडे मैच में 121 गेंद पर 101 रन बनाए, जिससे उन्होंने तेंदुलकर के वनडे शतकों का रिकॉर्ड 49 शतक बराबर किया। इस जीत के साथ भारत ने 326 रन बनाकर साउथ अफ्रीका को सिर्फ 83 रनों पर आउट किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस उपलब्धि के महज 10 दिन बाद 15 नवंबर को विराट ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक और शतक 117 रन के साथ तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा और वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक का नया कीर्तिमान स्थापित किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दिवाकर मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, शक्ति कुमार, पूनम कुमारी, दिलखुश, राज किशोर महतो, कुश कुमार यादव, रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, संगीता कुमारी, रवि, मोहन वर्मा, छोटू राजा, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद सागर हुसैन, ऋषिकेश शाह, उमेश, ऋषिदेव, राकेश मिश्रा, रितु राय, मुन्ना प्रसाद, रामबाबू दास, विनोद महात्मा, सोनू कुमार, मोहम्मद इरफान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर, और आज का सवाल है आपके लिए, नहाए खाए का क्या महत्व है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।